छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के 34 युवाओं का एक साथ भारतीय सेना में चयन हुआ है। ये सभी युवा जिले के ग्रामीण इलाके से आते हैं। इन युवाओं के चयन के बाद परिवार वालों के साथ जिला प्रशासन भी गर्व महसूस कर रहा है। इन सभी युवाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है पूर्व सैनिकों ने, जिन्होंने गांव-गांव जाकर युवाओं को ट्रेनिंग दी और फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए परफेक्ट किया। आज हमारे जिले के 34 सैनिक सेना में भर्ती हुए। अब तक के हमारे जिले का ये रिकॉर्ड है जो 34 सैनिक देश की सेवा के लिए चयनित हुए हैं। ये जो सैनिक गांव से बिलोंग करते हैं और इनको लगातार हमारे भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा गांव में जाकर शारीरिक प्रशिक्षण देते रहें और मेडिकल के कुछ बारीकियों को बताते रहें, जिसके कारण सावधानी बरतते हुए उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया। और इसके बाद इन बच्चों को रिटर्न परीक्षा की तैयारी हमने निःशुल्क कराए। इन सारे प्रशिक्षण के दौरान इन बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क हम पूर्व सैनिकों के द्वारा नहीं लिया गया। एक छोटे से प्रयास ने राजमिस्त्री, मजदूरी और खेत में काम करने वाले युवाओं की जिंदगी बदल दी। धमतरी जिले के ये 34 युवा अब मातृभूमि की रक्षा करेंगे। भारतीय सेना में हुआ है, जीडी है और मेरा ट्रेनिंग सेंटर बीजी पुणे किरकी है। अच्छा, तो यहाँ पे कितना मेहनत करना पड़ा है आपको? मेहनत तो करना पड़ा, लेकिन जो पूर्व सैनिक जो थे हमारे, उनके मार्गदर्शन से हम लोगों को बहुत ही मतलब लाभदायक है और उनके जो गाइडेंस था उनके हिसाब से हम लोग बहुत आगे किए और जो प्रशिक्षण दिए उन लोग हमारे बहुत लिए बहुत ही काम आया। वो धमतरी के कारगिल उद्यान में इन युवाओं के सम्मान में एक आयोजन रखा गया। कलेक्टर की पहल पर इन युवाओं के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कराई गई। बहुत गर्व की बात है कि धमतरी जिले से 34 युवक थल सेना के लिए चयनित हुए हैं और ये बहुत अच्छा परिणाम धमतरी जिले के सभी शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी, कर्मचारी और टीचर्स जो इनके लिए लिखित परिणाम के लिए कर रहे थे कोशिश, उनके लिए है। और साथ में जो भूतपूर्व सैनिक बल है, जो जिनका लगातार सहयोग हमको मिलता आ रहा है, उसका भी ये रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। और आने वाले समय में अक्टूबर महीने में हमारी जो एयरफोर्स भर्ती है उसके लिए भी हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे धमतरी जिले से उसमें पार्टिसिपेट करें और सफल हों। अब 17 सितंबर से ये युवा ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। इनकी उपलब्धि धमतरी ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। धमतरी से न्यूज के लिए भुजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।